सगळ्यांना गणेशोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा। हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजली गोठाने, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखते हैं तळलेले मोदक या फ्राइड मोदक। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम 2 कटोरी गेहूं का आटा लेंगे, उसमें स्वादानुसार नमक। अब 4 चम्मच मैंने घी लिया है, इसे गरम करके हम डालेंगे। अभी इसे हम चम्मच से ही मिक्स करेंगे, क्योंकि घी गरम है ना, इसलिए अब हम इसे हाथ से ही इसे मसल लेंगे। इस तरह से ये हो जाना चाहिए, ऐसी मुट्ठी बन जानी चाहिए। अब हम पानी डाल के इसे गूंथ लेते हैं। इस तरह से टाइट आटा गूंथ लेना है। अब हम इसे ढक के रख देते हैं। स्टफिंग के लिए हमें 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट, 1/2 कटोरी गुड़, 1 चम्मच खसखस, थोड़े ड्राई फ्रूट्स और 1 चम्मच हमें इलायची पाउडर लगेगी। 1 चम्मच हम घी लेंगे, घी को गर्म होने देते हैं। अब ये हो गया है, हम इसे निकाल लेते हैं। अब गैस बंद करने के बाद हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। अब आटे को थोड़ा सा घी का हाथ लेके मसल लेते हैं। अब इसमें से 1 पेड़ा निकाल के रोटी बना लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डाल के इसे बेल लेते हैं। इस तरह से आप पतला बेल लो। अब हम 1 ग्लास लेके इसे कट कर लेते हैं। इससे क्या, हमारे सारे मोदक एक ही शेप में आएंगे। इस तरह से पहले हम नीचे तक, एक एक उंगली का इसमें डिस्टेंस रखना है। अब हम इसमें स्टफिंग भर लेते हैं। अब ये सारे कॉर्नर्स है, हम एक ही डायरेक्शन में इसे मिला लेंगे। थोड़ा सा ऊपर का हम निकाल देंगे इसका। इस तरह से आप सारे बना लो। बहुत ही क्रिस्पी मोदक बनके तैयार है, देखिए कितना सुंदर हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी मोदक बनके तैयार है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पे आ जाएगा। थैंक यू।